भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। China should have never let that happen, but China did allow it to happen. Chinese naval military exercises, if they stick to their coordinates, do not impinge on Philippine territory. चारों ओर से घिरने पर घबरा गया था ड्रैगन। दक्षिण चीन सागर में घेर चुका था अमेरिका। भारत को सीधे सैन्य सहयोग का कर दिया था ऐलान। डरकर लद्दाख में डील को मजबूर हुआ ड्रैगन। लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगा चीन, अब भारत के साथ समझौते के बाद पीछे हटने लगा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने चीन की दादागिरी को रोकने के लिए दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू किया। इसके बाद चीन झुकने को मजबूर हुआ। यानी लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक दादागिरी पर उतारू चीन अब अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस गया। लद्दाख में हजारों सैनिक तैनात करके और दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू करके चीन ने अपने पड़ोसी देशों को डराने की कोशिश की। चीन की हरकत के बाद सुपर पावर अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें उसके दो एयरक्राफ्ट कैरियर भी हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को अमेरिका के 11 फाइटर जेट ने भी साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ान भरी थी। अमेरिका के इस सख्त रुख के बाद चीन झुकने को मजबूर हो गया और लद्दाख में अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया। चीन भारत के खिलाफ एक साथ तीन मोर्चे खोलने की कोशिश में लगा था। चीन की ओर से वहीं दो देश पाकिस्तान और नेपाल की ओर से खोलने में जुटा था, लेकिन अमेरिका ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। वो लद्दाख पर दिमाग लगाता रहा, लेकिन समंदर में अमेरिका ने उसकी गर्दन दबोच ली। वहीं रही सही कसर जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पूरी कर दी। मौके का पूरा फायदा डोभाल ने उठाया और तुरंत चीन से बोरिया बिस्तर समेटने की बात कर दी। चीन ने भी अपने बैग समेटे और पीछे हट गया। चीन की छाती पर अमेरिका की चढ़ाई। दोस्तों, कई साल बाद अमेरिकी नौसेना ने साउथ चाइना सी में इतना बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है। इसका असर ये हुआ कि चौतरफा घिरे चीन ने लद्दाख में अपनी सेना को पीछे हटा लिया है। ड्रैगन की धमकी से बेपरवाह अमेरिका के 11 लड़ाकू विमानों ने एक साथ साउथ चाइना सी के विवादित इलाके में उड़ान भरी। इसमें परमाणु बम ले जाने में सक्षम अमेरिका के B-52 बमवर्षक विमान के साथ 10 अन्य फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। इन सभी लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्स से उड़ान भरी थी। USS निमित्स के साथ USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर भी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। जानकारों की माने तो ऐसा बहुत कम होता है जब अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ युद्धाभ्यास करते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना दिन और रात दोनों ही समय में युद्धाभ्यास करके चीन को उसके किसी भी दुस्साहस के खिलाफ सख्त संदेश दे रही है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया भर में अमेरिकी नौसैनिक ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। चीन को अमेरिका की तगड़ी धमकी। अमेरिका ने कहा है कि उसके इस युद्धाभ्यास का मकसद इस इलाके के हर देश को उड़ान भरने, समुद्री इलाके से गुजरने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक संचालन करने में सहायता देना है। यही नहीं, अमेरिका ने यह भी स्पष्ट संकेत दिया है कि वो कोरोना वायरस को फैलाने के लिए चीन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज ने कहा कि अमेरिकी युद्धाभ्यास इस बात का संकेत है कि व्हाइट हाउस प्रशांत महासागर और उसके आगे प्रभावी शक्ति की अपनी भूमिका से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा, हमारा रुख सख्त बना रहेगा, फिर चाहे वो भारत के साथ चीन के विवाद से जुड़ा हुआ हो या कहीं और। मेडोस ने कहा कि हम मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे और चाहे चीन हो या कोई और, हम प्रशांत महासागर या किसी अन्य जगह पर किसी और देश को सबसे शक्तिशाली प्रभावी ताकत का दर्जा नहीं लेने देंगे। हमारी सैन्य ताकत मजबूत है और आगे भी मजबूत बनी रहेगी, फिर चाहे वो भारत और चीन के बीच संघर्ष से जुड़ा हो या कहीं और।
मेडोस ने कहा कि अमेरिका का मिशन है ये सुनिश्चित किया जाए कि विश्व ये जाने कि अमेरिका अभी भी दुनिया की श्रेष्ठ सैन्य ताकत है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ट्वीट कर चीन को घेरा। उन्होंने कहा कि चीन ने अमेरिका और पूरी दुनिया का बहुत नुकसान किया है। चारों ओर से घिरा तो भारत की डील। ड्रैगन खुद को अपने घर में घिरा देख भारत के साथ डील करने को मजबूर हो गया। चीन ने अब गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से अपने सैनिकों को 2 किलोमीटर पीछे हटा लिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की ओर से विस्तृत बयान जारी कर उम्मीद जताई गई है कि अब दोनों पक्ष ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे विवाद बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि चीन अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता और सीमा क्षेत्रों और शांति की प्रभावी तरीके से रक्षा करता रहेगा। ड्रैगन पर ही भारी पड़ा खुद का प्रोपेगेंडा। गलवान घाटी में चीन के नापाक हरकत की पोल अब खुद वहां के टीवी चैनल ने ही खोल दी है। चीन के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी 4 ने दिखाया कि चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाके में जबरन घुसने की कोशिश की थी, यानी लद्दाख में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार चलाना खुद चीन को ही भारी पड़ गया। इस चैनल ने सोमवार की रात को सैटेलाइट से मिली नई तस्वीरें जारी की। इसमें मई महीने में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी में भारतीय इलाके की तरफ वैध गतिविधियों से रोकने का प्रयास किया था। इस खुलासे के बाद अब भारत का ये दावा और मजबूत हो गया है कि चीन ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की थी। गलवान घाटी में ठीक एक महीने बाद इसी जगह पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। दरअसल गलवान घाटी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके जरिए चीनी सैनिक आसानी से भारतीय इलाके में देख सकते हैं। भारत ने हमेशा से ही कहा है कि गलवान नदी के तटबंध वाला इलाका हमारा है, जो पेट्रोल पॉइंट 14 तक जाता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा था कि चीनी पक्ष ने मई महीने में भारत के सैनिकों की परंपरागत गश्त को रोकने की कोशिश की। अब सीसीटीवी की इन तस्वीरों से भारत की ये बात और ज्यादा पुष्ट हो गई है। भारतीय सेना ने भी कदम पीछे खींचे। भारत और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत के बाद गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से भारतीय सैनिक भी 1 किलोमीटर पीछे हट गए। सैन्य सूत्रों ने कहा है कि समझौते के तहत दोनों पक्ष विवादित इलाकों से 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे हटेंगे और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो दोनों देशों की सेना आगे की दिशा तय करने के लिए दोबारा बातचीत करेगी। अजीत डोभाल और वांग यी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बातचीत के बाद चीन ने अपने सैनिक 1.5 किलोमीटर पीछे हटाने शुरू कर दिए थे। हालांकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने कदम तो पीछे खींच लिए हैं, लेकिन चीन की फितरत को देखते हुए भारत की सेना पूरी तरह से चाक चौबंद और चौकन्नी है। चौकसी का आलम यह है कि वायुसेना के लड़ाकू विमान रात में भी आसमानी सरहद पर गश्त लगा रहे हैं। सुखोई मिग जैसे युद्धक विमान लगातार आसमानी सीमा की निगरानी कर रहे हैं। वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई और MiG-29 समेत कई लड़ाकू विमान दुश्मन पर नजर रखने के लिए लगातार उड़ान भर रहे हैं। इसी तरह से वायुसेना के हेलीकॉप्टर अपाचे, चिनूक और MiG-17 भी मिशन में लगे हुए हैं।